साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी का दौरा करेंगे और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री सीधे गंगा में एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद गोयनका विद्यालय में राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवताब आलम हमसे जुड़ेंगे। अवताब, सीएम किन-किन इलाकों का जायजा ले सकते हैं? जी, आपको बता दें कि वाराणसी आज एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। गंगा और बाढ़ की हालत खस्ता है, ऐसे में बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर बाद आज वाराणसी आएंगे, इससे पहले वो गाजीपुर और चंदौली का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वहीं बाढ़ को लेकर के किए जा रहे प्रबंधक को लेकर के समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में। उसके उपरांत सर्किट हाउस में बाढ़ के हालात से निपटने और बाढ़ के बाद होने वाली दुश्वारियों को देखते हुए एक समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। रात्रि विश्राम वाराणसी में करेंगे और अगले दिन सुबह दर्शन पूजन करने के बाद वह लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मयूर जी, क्या कुछ राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे? जी, मुख्यमंत्री ने मानसून होने के शुरू होने से पहले ही वाराणसी के मंडल स्तर की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी और प्रदेश के सभी जनपद जो बाढ़ प्रभावित होते हैं उनके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया था। और आज एनडीआरएफ की टीम के साथ वह बाढ़ प्रभावित एरिया में जाएंगे और वहीं राहत सामग्री भी बांटेंगे। जी, क्या सीएम के साथ एनडीआरएफ टीम के अलावा कोई और भी साथ रहेगा? जी, जनप्रतिनिधि का पूरा जत्था उनके साथ रहेगा। जी, कब तक पहुंचेंगे सीएम योगी? दोपहर बाद आने की संभावना है, क्योंकि पहले वो गाजीपुर और चंदौली का सर्वेक्षण करेंगे हवाई से, हवाई यात्रा के दौरान। उसके बाद वो वाराणसी आएंगे। धन्यवाद अफताब इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर हरदोई से है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। दरअसल अखिलेश यादव के पास एक बयान में उन्होंने कहा था कि दोनों डिप्टी सीएम ट्विन टावर की तरह हैं। सीएम झूठ ना बोले, इसलिए दोनों डिप्टी सीएम को रखा गया है। इस बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया, इसलिए वो इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। सीए रखा गया है ताकि सीएम झूठ ना बोल सके। अच्छा, क्या रिएक्शन है? अखिलेश जी क्या कहते हैं कि उनका अपना विवेक है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, उसके कार्यकर्ता मानने वाले सक्षम लोग हैं और हमारे मुख्यमंत्री हों चाहे डिप्टी सीएम हों, योग्यता के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, सर्वत्र विकास के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम भी और हमारा पूरा मंत्रिमंडल भी वो लगातार काम कर रहा है। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी को जनता निकाल चुकी है लोकसभा चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भी, और उनकी कोई बात का आज वजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्ष हमसे जुड़ेंगे। हर्ष, ट्विन टावर से जोड़कर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। अखिलेश यादव के बयान के बाद मंत्री कपिल देव ने पलटवार किया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जब पत्रकारों ने जब सवाल किए तो उन्होंने ये जवाब दिया कि उनका अपना विवेक है, उससे क्या कहते हैं इस पर मैं कोई विचार नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जो डिप्टी सीएम है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को लेकर चल रहे हैं। जिस तरीके से अगर पत्रकारों ने जो भी उनसे सवाल किए हैं उससे बचते नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कल एक वाक्य हुआ है, उनके भाजपा सरकार में उनके ही कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर बैठे थे,
तो इस पे उनसे एक सवाल किया गया तो उस पर बसते नजर आ रहे थे। क्या ये अखिलेश यादव की हार की बौखलाहट है जो वो अपनी बयानबाजी में कर रहे हैं? जी, उन्होंने यही, जो मंत्री हैं कपिल देव, उन्होंने यही बताया कि उनको जनता नकार चुकी है और ये अखिलेश को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं वो पलटवार करते नजर आते हैं हर बार। जैसे उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ट्विन टावर की तरीके से डिप्टी सीएम है, लेकिन उसका जवाब देते हुए मंत्री जो कपिल देव हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं ये मिलके काम कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उनको बढ़िया से काम चला रहे हैं, उनकी मंत्रिमंडल बढ़िया चल रहा है इस समय। जी धन्यवाद हर्षराज हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।